हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, तो चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो 14 अक्टूबर से हरियाणा में बीजेपी की तरफ से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होगा और खुद पीएम मोदी चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारकों की फौज अब की बार 75 पार के नारे को साकार करने के लिए कुरुक्षेत्र 2019 में पूरी ताकत झोंक देंगे। पिछहत्तर पार का नारा लेकर हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इस चुनावी युद्ध में बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा भी उतरने को तैयार हैं। 14 अक्टूबर को पीएम मोदी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा की चुनावी रणभूमि में पीएम मोदी कुल 4 रैलियां करेंगे। हरियाणा की चुनावी रणभूमि में पीएम 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में रैली, 15 अक्टूबर को चरखी दादरी में जनसभा, 15 अक्टूबर को ही थानेसर में रैली, 18 अक्टूबर को हिसार में जनसभा। 4 रैली से 90 विधानसभा सीट को करेंगे कवर। पीएम मोदी बल्लभगढ़ में रैली के जरिए दक्षिण हरियाणा की जनता को साधेंगे। दशहरा ग्राउंड में होने वाली इस रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। करीब 1500 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात होंगे। पीएम मोदी दूसरी रैली दंगल गर्ल बबीता फोगाट के समर्थन में करेंगे। रेसलिंग से राजनीति के मैदान में उतरी बबीता फोगाट पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पीएम की जनसभा के लिए दादरी के महेंद्रगढ़ रोड पर खेतों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सभा स्थल बनाने का काम जोरों पर है। माननीय प्रधानमंत्री दादरी और जो उसके साथ 16 अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जो लोगों को संबोधित करने दादरी में आ रहे हैं, इस संबंध में जो दादरी से महेंद्रगढ़ रोड पे पब्लिक मीटिंग का जो स्थान चिन्हित किया गया है, वहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाएगी और पूर्णतः जो है सारा का सारा एक सिस्टमेटिकली और जो सिक्योरिटी के प्रबंध है किए जाएंगे। पीएम के हरियाणा दौरे से सियासी सरगर्मी और बढ़ जाएगी। पीएम की रैली को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी गदगद है, तो दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों का कहना है कि पीएम के आने से कोई असर नहीं होगा। लोगों का सहयोग तो वैसे ही साथ में, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे बीच में, तो ये हम सभी चरखी दादरी वालों का सौभाग्य है कि इतने पता नहीं कितने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री हमारे चरखी दादरी में पहुंचे। और मैं तो बहुत भावुक हूँ कि महान देश के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे को सहयोग करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे लिए इससे गर्व की बड़ी बात नहीं हो सकती। अरे जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को दादरी माना पड़ गया, तो इस दादरी की जनता की मेहरबानी से मोदी दादरी आ रहा है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो बात करेगा अमेरिका की, बात करेगा पाकिस्तान की, वो दादरी की बात थोड़ी करेगा, अमेरिकी सरकार की बात थोड़ी करेगा। और वो कहेगी अपना आवाम जागा, हम तो यही खड़े मिलेंगे। जनता को पता है कि मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ, चाहे हारो चाहे जीतो। ये तो हमारा सौभाग्य है, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई दादरी मारे, लोगों ने कम से कम उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। आदरणीय वो देश के मालिक हैं, कहीं आए कहीं रैली करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक वोटर की बात है, वो लोगों ने मन बना लिया है, इन्होंने मेरे ऊपर निर्भर है, जनता इलेक्शन लड़ रही है, उनके यहाँ आने से वोटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये चरखी दादरी विधानसभा एक युवा प्रत्याशी है और एक युवाओं की आवाज़ है। यहाँ का दादरी हल्के का युवा कैंडिडेट है और दादरी हल्के का युवा जीतेगा, और दादरी हल्के एक ही आवाज़ है, अब की बार युवा विधायक दादरी का है। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में हर पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर जीर तोड़ मेहनत कर रही है। सत्ता में आने के लिए गली गली घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, और इस मेहनत का नतीजा क्या होता है ये तो 24 अक्टूबर को ही साफ होगा। फिलहाल हरियाणा की रणभूमि में बिसात बिछ चुकी है। बल्लभगढ़ से प्रेम खान और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, R9 TV।